कि हमारे बेबी ने जो सर है वो हेड डाउन कर लिया है, डाउन पोजीशन में आ गया। टिप्स एंड ब्लॉक्स में तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं हूं प्राची। तो आज एक बार फिर से मैं आपके लिए एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आई हूं। सो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट जरूर करना। तो बिना देरी करते हुए आज के इस वीडियो करते हैं शुरू। हर एक माँ जानना चाहती है कि जब बेबी मतलब बिल्कुल एंड टाइम चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, तो ऐसा कौन सा साइन होता है जिससे कि हम पहचान सके कि हमारे बेबी ने जो सर है वो हेड डाउन कर लिया है, डाउन पोजीशन में आ गया है हमारा बेबी, तो ऐसे कौन सा साइन है? तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें मैं अपना भी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि जब मेरे बेबी ने हेड पोजीशन ले ली थी, हेड डाउन पोजीशन ले ली थी, तो मुझे कहाँ पे पेन होता था। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो तो गाइस, गाइस सबसे पहले मैं बात करूंगी कि जब हमारा बेबी हेड डाउन कर लेता है तो कहाँ पे दर्द होता है। ठीक है, उसके बाद हमें कौन कौन से साइन दिखते हैं, क्या क्या होता है हमारे साथ, इस बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है कि हम जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो उस टाइम पे हमारे जो पेन होता है वो बिल्कुल नाभि के नीचे तरेट में होने लगता है। ठीक है, नाभि के चार अंगुल नीचे से हमारे पेन शुरू हो जाता है, और बैक में उसी के जस्ट अपोजिट बैक साइड भी हमारा पेन होने लगता है। ठीक है, जो कि कुछ टाइम टाइम पे होता है, जैसे 5 मिनट के गैप के बाद, 10 मिनट के गैप के बाद होने लगता है। ठीक है, ये तो हो गई पेन की बात। दूसरी चीज ये हो गई कि जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है तब हमारे साथ कौन से साइन होते हैं, कौन कौन से साइन होते हैं? तो वो साइन है कि जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो उस टाइम पे आपको वॉशरूम यानी टॉयलेट बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, जब बेबी हेड डाउन कर लेता है तो ऐसे में हम लोग को बहुत ज्यादा टॉयलेट आती है प्रेग्नेंट लेडी को, जैसे कि 5 मिनट में, 10 मिनट में, जैसे आपने कोई भी लिक्विड लिया, जैसे पानी पिया या दूध पिया, वैसे ही आपको तुरंत टॉयलेट आती है। ठीक है, अगर बेबी हेड डाउन पोजीशन ले लेता है तो। तीसरी चीज होगी कि जब बेबी हेड डाउन पोजीशन ले लेता है तो उस टाइम पे आपका जो महसूस ज्यादा होता है वो होता है आपका जो आपकी पसलियां होती हैं, पसली के नीचे आपको बिल्कुल यहाँ पे पेन शुरू हो जाता है। ठीक है, पेन शुरू होता है और वहां पे आपको बेबी की मूवमेंट थोड़ी ज्यादा मालूम पड़ती है जब बेबी हेड डाउन आ जाता है, क्योंकि जब नाभि के नीचे बेबी का सर आ जाता है तो ऐसे में पैर ऊपर आ जाते हैं, तो ऊपर पैर जब आ जाते हैं बेबी के तब भी ऊपर की तरफ हलचल महसूस होती है। ठीक है, तो ये 3 साइन बहुत ज्यादा बड़े हैं, और ये जो पेन वाला है, पेन हमारे तरेट में और बैक साइड में होता है। ठीक है, ऐसा महसूस होता है जैसे हमारा पीरियड आने वाला है। ठीक है, जैसे पीरियड में पेन होता है सेम वैसे ही पेन होता है, लेकिन पीरियड के पेन से थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा दर्द ज्यादा होता है। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि दर्द पीरियड में जो होते हैं सेम वैसा ही दर्द है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा दर्द होता है जब बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है। ठीक है, तुम ही खा लो। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा वीडियो था, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक जरूर करें। मिलती हूँ ऐसे ही छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।